कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहा कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर देता अपने आप को धोखा। कौन कहा, कौन कहा, कौन कहा, कौन कहा। पढ़ी है आपने ये न्यूज़ डैडी? कहाँ कहाँ पढ़ूंगा बेटे, पेपर्स भरे पड़े हैं, इसीलिए उससे मिलना चाह रहा था। और वैसे भी मैंने तुम में और उसमें कभी कोई फर्क नहीं समझा। मेरे चेहरे पर तो काले पुत चुकी है, ईमानदारी के पसीने से इसको पोंछने की कोशिश करूंगा। वीरू का ब्रह्मास्त्र 15 साल से मैंने इस सिचुएशन के लिए संभाल कर रखा है। अब वीरू इंडस्ट्री से बदला लेगा। ऐसे पुण्य के काम के लिए तेरी मासी कैसे मना कर सकती है, जबकि मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही हैं। ब्रह्मा जी को दृश्यावलोकन करा के मैं अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभा सकूं, क्योंकि यही आदेश थे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का। चित्रगुप्त, जिस तरह आप कलयुग के मायावी पाप का दृश्यावलोकन कराने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि की शक्ति का परिचय दे रहे हैं, उससे मैं गदगद हो रहा हूं। असंख्यों तक पहुंच गई विशाल सृष्टि में उस कलयुगी पाप को देख रहा हूं जो कलयुग की शक्तियों से महाशक्तिवान बन गया है और जो मायावी है, जो सर्वत्र व्याप्त है, अदृश्य। उस पर अपनी दृष्टि गाड़ देना यह आपकी कलयुग की महानतम उपलब्धियों में गिना जाएगा। धन्य हो चित्रगुप्त, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। नमस्ते बेटा, कैसे हो? जी ठीक हूँ। हाँ, इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलो। दरअसल मैं आपसे मिलना चाहता था। अंकल, आपकी जो मना स्थिति है मैंने उससे समझा। अखबारों में जो छप रहा है, लोग जो बातें कर रहे हैं, और खासकर उर्वशी ने एक सच्चे पिता के सपनों को जो तोड़ा है, मैंने उससे महसूस किया है। अब ऐसा क्या कर दिया उर्वशी ने कि बाहर के लोग घर में आके सहानुभूति दिखाने लगे? सावित्री, ये हमारी कहने दीजिए अंकल। जब घर वालों के लिए पराया हो चुका हूं तो परायों के लिए तो पराया होना ही है। आंटी, उर्वशी मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। हो सकता है उसका ये फैसला सही हो, पर इससे अंकल पर जो बीत रही है उसे मैंने महसूस किया है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे अंकल को विश्वास में लेना चाहिए था, अपने दोस्तों से मशवरा करना चाहिए था। जब उर्वशी को सबके फैसले के बारे में पता था तो वो क्या मशवरा लेती। क्या उर्वशी के पापा उसे इजाजत देते कि जा बेटा, अपने सपने साकार करो। पुण्य का लेखा जोखा। भगवान राम की पूजा होती है इस घर में। उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपना राजपाट तक त्याग दिया था। उन्हीं मर्यादित पुरुषोत्तम रामचंद्र ने अवतार लेकर अपने चरित्र से दुनिया को यह संदेश दिया कि माता पिता की आज्ञा पालन करना ही धर्म है। उर्वशी ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था, मैंने उसकी डायरी भी पढ़ी है। तुमने अपने माँ बाप का कौन से कर्तव्य का पालन किया, कौन सी आज्ञा मानी? मैंने तो सुना है कि तुम्हारी वजह से उन्हें शहर तक छोड़ना पड़ रहा है। सावित्री, ये तुम क्या? कहने दीजिए अंकल, सच कहने और सच सुनने की शक्ति है मेरे अंदर। उर्वशी ने भी यही सब कहा था जब मैंने उसे समझाया था। आंटी, जिस मर्यादित पुरुषोत्तम रामचंद्र ने अपने माता पिता की आज्ञा को अपना महाधर्म महापुण्य समझा, वहीं रामचंद्र ने पापियों का सर्वनाश करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र भी उठाए थे। मेरा युद्ध भी धर्म युद्ध है, पाप और पापियों से युद्ध है। पर दुर्भाग्यवश वो पाप मेरी सौतेली माँ और मेरे पिता के रूप में है। कृपया अंकल जैसे महान पुण्यवान व्यक्ति की तुलना मेरे माता पिता से मत कीजिए। क्षमा चाहता हूं, आपके पारिवारिक मामलों में दखल दिया। अब चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते आंटी। देखो इस नौजवान को, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर धर्म कर्म सविता और मर्यादा की राह पर चल रहा है। पाई पाई के लिए पसीना बहा रहा है। और एक थी तुम्हारी साहबजादी, करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर माँ बाप के अरमानों को ठोकर मारकर चल दी। हाँ बोलिए। क्या आप हीरा हरीश की बॉलीवुड हॉलीवुड कंबाइन में हीरोइन का रोल कर रही हैं? शायद हाँ शायद ना। शायद हाँ शायद ना से क्या मतलब होगा मैम? हरीश जी ने अभी तक मुझे रोल ऑफर नहीं किया है। अब कल ही तो उन्होंने फिल्म अनाउंस की है। अब उनकी फिल्म में मेरे लायक रोल है भी या नहीं मैं नहीं जानती। और वैसे भी फिल्म साइन करने से पहले बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो जब रोल ऑफर होगा तब देखा जाएगा। हीरा हरीश जी तो आप पर लट्टू हैं। मैडम रोल भी आप कर रही हैं और कंडीशंस भी आपकी चलेंगी। जब आपको सब कुछ पता है तो पूछने का क्या फायदा? एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो। एक्सक्यूज मी, आज आप इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन मानी जा रही है और सबसे लकी हीरोइन मानी जा रही है। आपने केके की फिल्म की जिसने इंडस्ट्री को सबसे बड़ी हिट फिल्म दी, और दूसरी फिल्म हीरा हरीश जी की तो उनको हॉलीवुड से ऑफर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जहाँ भी कदम रख रही हैं वहाँ सोना ही बरस रहा है। थैंक्स, आपने मुझे बता दिया, मुझे नहीं पता था। एंड बाय द वे, इंडस्ट्री में किसी को भी यूं ही कुछ भी नहीं मिल जाता। ये सब मेरी टैलेंट, मेरी खूबसूरती और मेरी मेहनत की वजह से। एक्सक्यूज मी मैम, आप बुरा ना माने लेकिन अब आपको अहंकार आ गया है। आपने मेरे चैनल को अपने पहले ही इंटरव्यू में कहा था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो आप पर दौलत और शोहरत लुटा रही है। आज आप सारा क्रेडिट उस अदृश्य शक्ति से लेकर खुद को दे रही है। इस बारे में कुछ कहेंगे आप? Excuse me, मुझे बहुत लेट हो। Excuse me, no. Once all, ma'am. Thank you. Sorry, I'm sorry. Yeah, yeah. पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। मैडम, how are you feeling? I'm fine. बुरा मत मानिए मैडम, आप खामखा प्रेस से बात करने लग गए। क्यों? मैडम इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कौन सा सवाल पूछ ले। और फिर कहेंगे कि हिंदुस्तान की आवाम ये जानना चाहती है, वो जानना चाहती है। इनके मुंह मत लगिए, ये आपका जीना हराम कर देंगे। एक्चुअली आप सच कहते हो वीरू जी, लेकिन केके सर की टिप है कि जर्नलिस्ट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री का दर्पण दिखाते हैं। मीडिया में बहुत पावर होता है। अगर तुम इनकी चहेती बन गई तो तुम्हारे शौहर में चार चांद लगा देंगे। चार चांद लगा देंगे या चांद में ग्रहण? मैडम आप इंडस्ट्री के तौर तरीके को तो समझ रही होंगी। मैडम यहाँ पर हर कोई आदमी मुफ्त में अपने स्वार्थ के लिए टिप बटोरता फिरता है। हो सकता है कि मिस्टर केके की यही डिमांड हो, क्योंकि व्हाई नॉट, उनकी फिल्म को इससे माइलेज मिल जाएगी, एक अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी, इसलिए उन्होंने ये टिप आपको दी होगी। फिर जी मुझे समझ में नहीं आता मैं किसकी बात पर विश्वास करूँ, कौन असली है कौन नकली है। मैडम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे। मैं आपको टिप नहीं बल्कि प्लीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपने असूलों पर डटी रहें प्लीज। वो क्या? जहाँ से पैसा आए वो फूल असली, और जो पैसा आने के रास्ते में रुकावट बने वो फूल नकली। यू आर ग्रेट वीरू जी। तो कहिए आज आप कौन सा असली फूल खिलाने जा रहे हैं? अरे मैडम वेरी सिंपल, उस आलीशान फ्लैट में एक धमाकेदार पार्टी, और वहाँ पर टारगेट होगा हमारा तनवानी, और केके को वहाँ पर बुलाना और सबके सामने दुनिया जताना। ओह, तो अब असली फूल है हीरा हरीश तनवानी। सोचिए मैडम, हॉलीवुड कोलैबोरेशन से डॉलर्स आएंगे, फेम मिलेगा, इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा आपको, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। और ये नहीं, इस प्रोजेक्ट पर हर हीरोइन की निगाह है, झड़पना चाहती है इस प्रोजेक्ट को, लेकिन आप हैं। अरे केके साहब आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो वीरू और रोशी, क्या चल रहा है? बस ठीक सर। दरअसल केके साहब आप ही का जिक्र हो रहा था। हमारी मैडम ये कह रही थी कि उनके छोटे से आशियाना में जब तक आपके कदम ना पड़े ये पार्टी ना देंगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों काम एक साथ किया जाए, आपको इनवाइट भी किया जाए और पार्टी भी दी जाए। इसका मतलब रोशी तुमने नया फ्लैट खरीद लिया और तुम आरसी के साथ अब नहीं रहती? अब छोड़िए ना सर, ये बातें बाद में होती रहेंगी। कल रात को मेरे नए फ्लैट और हमारी हिट फिल्म कली काटा की पार्टी होगी। हेलो रोशी जी। हाय रोमी। हेलो वीरू जी। और रोमी जी कल मेरे पार्टी में सर को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। लेकिन आपने अपना फ्लैट कहाँ लिया रोशी जी, आपने कुछ बताया नहीं। हाँ वो मैं सब समझा दूंगा। अब वीरू जी तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। देखो उर्वशी, अभी हम जो सीन ले रहे हैं वो एक सेट सीन है, इसमें हैवी मेकअप मत लेना, थोड़ा लाइट लाइट मेकअप लेना, उदास मेकअप। रोमी तुम मैडम को सब समझाओ और सेट पर लेकर आओ। ठीक है ओके सर। एक मिनट सर, लाइट मेकअप लेना होगा सर। ऑडियंस को मेरी जिस ब्यूटी को देखने की आदत पड़ रही है, मुझे लगता है शायद वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। रोमी मैडम को ब्राइट मेकअप दो, हैवी मेकअप, और वो जो सेट सीन करने वाले हैं ना वो हम बाद में करेंगे। अभी हम हैप्पी सीन्स करते हैं, कुछ ऐसे मोंटाजेस लेते हैं जो हैप्पी सीन्स मूड के हैं। ओके रोमी? ठीक है सर। और हाँ रोशी कल तुम आकर मुझे ऑफिस में मिलो। सॉरी सर, कल तो पार्टी है और आप भी आ रहे हैं, तो मैं ऑफिस में परसों आ जाती हूँ। इट्स ओके। मौसी प्रणाम, मैं प्रेम इंग्लैंड से। अरे प्रेम बेटा कैसे हो, इतने दिनों बाद तुमने फोन किया। सब ठीक तो है? हाँ मौसी, बस आपको एक खुशखबरी सुनानी है। हाँ हाँ जल्दी बताओ, बहुत दिन हो गए कोई भी अच्छी खबर नहीं सुने मैंने। मौसी, मैंने आपको मॉम डैड के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना, द बिगेस्ट ओल्ड हाउस ऑन दिस अर्थ। मैंने उसकी प्लानिंग पूरी कर दी है। अब आप ही बताइए मौसी, उनकी पुण्यतिथि पर उनकी श्रद्धांजलि के रूप में इससे ज़्यादा मैं क्या दे सकता था। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, तेरे माँ बाप की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। तू तो बहुत अकेला हो गया होगा ना, इतनी कम उम्र में माँ बाप अचानक। आप मेरी चिंता ना करें मौसी, मामा हमेशा कहते थे कि इंसान हमेशा अकेला पैदा होता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और उसके पाप पुण्य I mean सिन एविल वर्चुअल इन सब को अपने अकाउंट में जोड़ता रहता है, फिर वो अपने कर्मों से इन्हें घटाता है बढ़ाता है। और अगर इंसान के साथ हमेशा कोई रहता है तो वो है उसकी आत्मा जो कभी मरती नहीं। मनुष्य को अपनी आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्मों का संग्रह करना चाहिए मौसी, बस वही करने की कोशिश में मैं लगा हूँ। अरे तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। अच्छा है बेटा, पुण्य कमा, बहुत पुण्य कमा, हमेशा दूसरों का भला कर और दुआएं ले। अच्छा एक बात पूछूं? आदेश दीजिए ना मौसी। तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है, कब आ रहा है तू इंडिया? बस बहुत जल्द आ रहा हूँ मौसी। कृष्णा भैया कैसे हैं मौसी? जब तू आएगा ना तो देख लेना तेरा भाई कैसा है। अच्छा सुन, मैं तेरी आने की खबर का इंतजार करूंगी। ठीक है मौसी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, बाय। कैसा कैसा खाया होगा, ले आज तेरी पसंद का खाना बनाया है, माँ की दाल और मेथी की सब्जी। ऐसे रोओगे तो खाना शरीर को नहीं लगेगा, खाना खा ले। एक बात पूछूं? पूछो। मुझे ये मुफ्त का खाना अच्छा नहीं लगता, कोई काम करना चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। अभी अभी जेल की चार दीवारी से बाहर निकला है, बाहर की दुनिया को समझ, उसे परख, उसके बाद कर लेना जो तुझे माना है। एक बात बता, तूने मुझे माफ कर दिया ना? मेरे माफ करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो 7 फेरों की लाज निभानी है। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुझे अपना पति माना था और मरते दम तक मानती रहूंगी। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही, फिर दिल में क्या है क्या नहीं क्या फर्क पड़ता है। कर्तव्य दिल की बातों से बहुत ऊपर होता है। देख, बच्चे भी मुझे नफरत की नजर से देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तेरा खून है, तू उन्हें प्यार दे, उन्हें समझ, उनकी आशा पर खरा उतर, तो देख वो तुझे कितना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि तू समेट भी नहीं पाएगा। वैसे तू जैसा भी है किस्मत का धनी। चांद सितारे और हीरे मोती जैसे बच्चे मिले हैं तुझे। जिसे तेरा प्यार मिले वो तकदीर वाला ही होगा। मैं तो गलत रास्तों पे चल दिया था, भटक गया था मैं, माफ कर दो ना। भूल जा सारी पुरानी बातों को और खाना खा। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, इसे रख ले और बच्चों के लिए उनकी मनपसंद कोई चीज ले आना। यहीं से प्यार की शुरुआत कर। खाना खा। अब घास फूस कौन खाएगा, चल के चिकन और मुर्गा खाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर हमारे जो राइटर हैं उन्होंने ये स्क्रिप्ट भेजी है, इसमें कुछ डायलॉग्स हैं सर मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, आप देख लेते हैं। अब रोमी, ये छोटे मोटे काम भी तुम मुझसे डिस्कस करोगे है? तुम नहीं कर सकते क्या? हर कभी हर कुछ लेके आ जाते हो मेरे सामने। हेलो हेलो, हिंदुस्तान के बेताज बादशाह को हमारा सलाम। कहाँ हो हुजूर, मुंबई में या कहीं बाहर? हेलो क्रिएटिविटी के बादशाह मिस्टर केके, कहिए हमारी याद कैसे आ गई? याद तो उनकी आती है दोस्त जिन्हें भुला दिया जाता है, आप तो हमारे दिल में रहते हैं, हमारे जिगर में रहते हैं। भाई वाह, डायलॉग बोलने में आपसे कोई जीत नहीं सकता। कहिए यार, सुना है उर्वशी ने नया फ्लैट ले लिया है, तूने मुझे बताया नहीं यार। दोस्त, उर्वशी अब स्टार हो गई है, अपने फैसले खुद लेती है, उसने मेरी उंगली पकड़कर चलना छोड़ दिया है। अरे जब वो शिफ्ट हो गई तब भावना ने मुझे बताया, उसने तो बताने की जहमत भी नहीं उठाई। हाँ दोस्त, कई लोगों को शोहरत हजम नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, ये बता तू रात को पार्टी में आ रहा है कि नहीं? अरे दोस्त, बिना बुलाए तो हम ऊपर वाले के पास भी नहीं जाएंगे। तो उसने तुझे भी नहीं बुलाया? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ कौन कहाँ।